नमस्कार पूर्णिमा जी, नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को। तो आज हम सर से ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा सचिव हैं, बड़े औहदे पर हैं, तो कई सवाल भी बनते हैं कि बहुत सारे आरोप भी लगते रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, कि क्या सरकार को लेके भी, ब्यूरोक्रेसी को लेके भी, कि क्या हमारे देश में साइंटिफिक टेंपर नहीं है। प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से हम ये भी जानना चाहेंगे कि फ्यूचर पैंडेमिक्स को लेकर किस तरह की तैयारी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, सरकार की। साथ ही हम ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को हम देख रहे हैं, तो साइक्लोन्स जिस तरह से भारत उनसे जूझ रहा है, तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनसे डील करने में, प्रिपेयरनेस में क्या भूमिका हो सकती है, भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की, मिनिस्ट्री की क्या भूमिका हो सकती है। इसके अलावा हम समझना चाहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत को कम्पीट करना है, तो जो हमारा, हम बात करते हैं ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च है, वो माना जाता है कि हमारे देश में 1% से भी कम है, GDP का 1% से भी कम है। तो इसे आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए, विकासशील देशों से भी अगर ये कम है, तो इस दिशा में क्या काम होने चाहिए, तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से। तो सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से भारत इस पैंडेमिक से जूझ रहा है, सरकार भी जूझ रही है, तो ऐसे में इससे निपटने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के क्या इनिशिएटिव रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है, देखिए कि जब पहली इसकी लहर आई थी पेंडेमिक की, तो अगर आप उस समय के हालात पे गौर करें तो हम देखेंगे कि उस वक्त भारत में कुछ भी इसके जो संसाधन हैं वो अवेलेबल नहीं थे। वेंटिलेटर नहीं थे, PPE नहीं थी, N95 नहीं था, डायग्नोस्टिक्स जो RT-PCR होता है, किट होती है किसी भी तरह की, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट, एंटीजन टेस्टिंग किट, किसी भी तरह का डायग्नोस्टिक्स उस वक्त अवेलेबल नहीं था। और वैक्सीन के बारे में तो ऐसी चर्चा की जाती थी कि करीब 10 साल लग जाते हैं वैक्सीन बनाने में, जो कि ग्लोबल अनुभव भी था उस वक्त तक। तो उस वक्त हम जो पूरी तरह से आयात पे ही हमारी डिपेंडेंस थी, सब चीजें इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन उस वक्त ऐसी परिस्थितियां थी कि बहुत जल्दी से इंपोर्ट भी संभव नहीं होते क्योंकि सब देशों को उन्हीं चीजों की आवश्यकता थी। तो उस वक्त जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किए उसके तहत सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर अंदर न केवल इन सभी चीजों को डिजाइन कर लिया गया बल्कि उनका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। तो उसके लिए बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग कार्य किए गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहले हमारी जो इंडस्ट्री हैं, स्टार्टअप हैं, उनकी मैपिंग की गई, देखा गया कि इनमें किस तरह की कैपेसिटी है, क्या वो ये चीजें डेवलप कर सकती हैं बहुत जल्दी। अगर वो कर सकती हैं तो उनको स्केल अप मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सहायता की जरूरत थी। तो जहाँ तक कि नॉलेज चाहिए थी, जहाँ तक कि उसको बनाने के लिए सहायता चाहिए थी, इन सभी को बहुत तेजी के साथ उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण हम अब जानते हैं कि ये सभी चीजें बहुत विकसित हो गई हैं भारत के अंदर। और अब हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि न केवल वो विकसित हो गई लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, जो उसमें इनोवेशन है, वो बहुत अच्छा है और वो अभी भी चल रहा है सेकेंड वेव के अंदर। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये है कि हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की नींव है वो काफी मजबूत है। पहले आप ये पूछ सकते हैं कि ये सब चीजें फिर 10 साल या 5 साल पहले डेवलप होके मार्केट में क्यों नहीं आ गई थी? ये एक प्रश्न है, बहुत अहम प्रश्न है, जो न केवल वेंटिलेटर और डायग्नोस्टिक्स पे ही अप्लाई होता है, ये और भी बायोमेडिकल, जो हमारे बायोमेडिकल मशीन्स होती हैं किसी भी चीज में काम होती हैं, वो बहुत इम्पोर्ट होती हैं।
ऐसे ही और भी कई क्षेत्रों में जहाँ पे हमारी कैपेबिलिटी है बनाने की, वो पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाई। तो इसका कारण यह है, ये हमें समझना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में दो तरह के क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र जो कि आपको जिस नॉलेज की जरूरत है उसको पैदा करता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी हैं, आरएनडी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सभी मिलके जिस जो हमें उसकी नॉलेज चाहिए उस पर रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके, इनोवेट करके उसको नॉलेज को पैदा करते हैं। लेकिन वो नॉलेज पैदा करना ही पूरा सलूशन नहीं है, उस नॉलेज का उपयोग भी करना होगा, और उसका उपयोग जो करते हैं वो है हमारी इंडस्ट्री। तो इन दोनों के अंदर जो कनेक्ट चाहिए इसको बनाने के लिए चीजों को, ऐसा है कि नॉलेज का पुश होता है और नॉलेज का पुल भी होता है, ये दोनों जब मिलके कार्य करते हैं तो निसंदेह हम इसमें बहुत तेजी से प्रगति करते हैं, ये हमने हरदम देखा है। इसमें क्या था कि पैंडेमिक टाइम में जबकि हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर था कि हमें ये चीज बनानी है इतने समय के अंदर, तो उसमें गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, स्टार्टअप, आरएनडी इंस्टीट्यूशन, आईआईटीज, इन सब ने मिलके कार्य किया। तो ये बात बहुत अहम है कि अगर हमारा पर्पस है वो बहुत क्लियर है और उसमें सभी लोग मिलके कार्य कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री हो या यूनिवर्सिटी हो, इन दोनों के बीच में जो खाई है, जो गड्ढा है, उसमें ही जाके हमारा साइंस बहुत बार गिर जाता था, तो वो उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो इसमें साइंस की कमी नहीं है सिर्फ, क्योंकि जैसा हम जानते हैं भारत, इंडिया, वो अभी विश्व में हमारे जो साइंटिफिक पब्लिकेशन है उसमें तीसरे नंबर स्थान पर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बेसिक कैपेसिटी है, अच्छे वैज्ञानिक हैं जो शोध कर सकते हैं, अगर उनको एक नया चैलेंज दिया जाए तो वो निसंदेह उस पर शोध करके और जो अच्छी से अच्छी चीज़ है उसका वो बना सकते हैं मॉडल, उसके लिए जो जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो मुहैया करा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मार्केट है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, वो उसको लेकर कर और उसको कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज में तब्दील करें। तो जैसा आपने कहा, साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है और वो पहली वेव में भी इससे दुआ कि हम ये सब कार्य कर सके। अब दूसरी वेव में जो अभी चल रही है, जैसे कि पहली लहर के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं की गई थी, क्योंकि आपको याद होगा पहली लहर के अंदर क्योंकि टोटल लॉकडाउन था कंट्री में, इस कारण जो हमारी पीक वैल्यू थी वो इतनी ऊपर नहीं गई थी, और उसका जो टाइम था वो करीब ऐसे, मतलब बहुत तेजी से नहीं बढ़ा था, वो कई महीनों के ऊपर चला था। तो इस कारण जो मतलब क्राइसिस हमने कुछ महसूस की है इस दूसरी लहर में, वो क्राइसिस की हालत पहली लहर में नहीं आ पाई थी, और उस कारण उस वक्त ऑक्सीजन जैसे कि है उसकी इतनी जरूरत, मतलब उसकी पूर्ति पूरी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी होम केयर की भी जरूरत होती है, उसमें भी ऑक्सीजन चाहिए। आपने देखा हॉस्पिटल्स में कभी कभी उसकी कमी हो गई थी, तो इसके बनाने के लिए जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, जैसे कि लिक्विड ऑक्सीजन है, गैसियस ऑक्सीजन है, तो कई जो हमारी टेक्नोलॉजी हैं, जो हमारे संयंत्र थे उनको रीपर्पज किया गया, और उसी के साथ साथ अभी ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत में ही बनाने का बहुत तेजी से सिलसिला शुरू हो गया है। उसके लिए भी डीएसटी ने उसमें मदद की है। अभी हमने काफ़ी सारी कंपनियों को बुलावा दिया है, करीब 20 करोड़ रुपए की उनको मदद दी जा रही है, जिससे कि वो बहुत जल्दी डेवलप करके एक महीने के अंदर अंदर वो मार्केट में उतारना शुरू कर दें इन चीज़ों को, जिससे हमारी उसमें पूरी तरह आत्मनिर्भरता हो जाएगी। तो आपका प्रश्न था पूर्णिमा जी,
आपका जो प्रश्न था आप उसके एक बार कुछ बताइए, क्या पहलू है उसका जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। समझना चाहूंगी, समझना चाहूंगी जी, समझना चाहूंगी कि ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्यूचर पैनामिक्स है उनसे आगे आने वाले समय में उनकी तीव्रता, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है, तो इनसे निपटने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या भूमिका होगी? किस चीज की तीव्रता? जी, फ्यूचर पैंडेमिक्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है ऐसा कहा जा रहा है, तो आने वाले समय में हमें उससे निपटने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी फ्यूचर पैंडेमिक से निपटने में, क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे और आ सकते हैं इस तरह के। ये जो पैंडेमिक है जैसे आपने सही कहा, उसकी तीव्रता कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, नए वायरस भी आ सकते हैं और जो पुराने वायरस हैं वो भी म्यूटेट होकर ज्यादा तेज रूप ले सकते हैं। इन सब की संभावनाएं हैं, इनके बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि कौन सी पैंडेमिक किस तरह की किस समय आ सकती है, लेकिन इसकी है संभावनाएं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये एक बहुआयामी प्रश्न है, क्योंकि अभी भी हमने देखा जैसे ये पैंडेमिक है इसमें एक तो जो हमें इक्विपमेंट और मटेरियल्स की जरूरत होती है वो इसका एक आयाम है, इसके साथ साथ इसमें शोध करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है वो दूसरा उसका आयाम है। कि जैसे अभी भी बहुत धीरे धीरे न केवल भारत में पूरे विश्व के अंदर ये पता नहीं चला था, धीरे धीरे पता चल रहा था कि वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है। तो शुरू में आपको याद होगा हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन पे था, सैनिटाइजेशन पे था, क्योंकि उस वक्त लोग सोच रहे थे कि ये वायरस जो हम किसी को छूते हैं, कोई छूता है उसके द्वारा हम तक पहुंचता है। दूसरा उसके बाद ये लगा कि इसका ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट के द्वारा होता है, जब हम जैसे कि काफ करते हैं, स्नीज करते हैं, छींकते हैं, तो वो जो हमारे मोटे मोटे थूक के कण निकलते हैं उसके साथ वायरस दूसरे आदमी में जा सकता है। अब और भी नए सिद्धांत आ रहे हैं, तो कुल मिला के मतलब ये है कि इसके बारे में जानना कि अगर कोई नई पेंडेमिक आती है कि वो कैसे ट्रांसमिट होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है उसका ट्रांसमिशन, उसके अलावा किस तरह के वैक्सीन्स की जरूरत हो सकती है, उसके अलावा किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रीटमेंट की जरूरत जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये वायरस हमारी बॉडी में कैसे कार्य करता है। जैसे कि अभी हमें पता चलता है कि वायरस हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जाकर उसको डैमेज कर देता है, अब कुछ वो डैमेज हार्ट के अंदर कर सकता है, अब कुछ वो ब्लड के जो क्लॉट होते हैं, मतलब वो ब्लड सेल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं तो क्लॉट बन जाते हैं, उसके द्वारा भी ये प्रभाव डालता है। इसी तरह से अलग अलग वायरस अलग अलग प्रभाव डालते हैं, तो इनको समझना बहुत तेजी के साथ ये बहुत जरूरी हो जाता है। उसके लिए हमें एक खास तरह की लैब्स की जरूरत होती है जिनको बोलते हैं बायोसेफ्टी लेवल 3, बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब्स होती हैं, जहाँ पे लाइव वायरसेस के साथ कार्य किया जा सकता है। जैसे हमें पता करना है कि इसमें हीट का क्या प्रभाव पड़ता है वायरस पर, ह्यूमिडिटी का क्या पड़ता है, टेम्परेचर का क्या पड़ता है, अगर हम ऐसा करें तो वायरस पे क्या प्रभाव होगा, हमारी जो मास्क की इफेक्टिवनेस है उसको जांचने के लिए कि उसके कितने उसमें वायरस का संक्रमण बाहर जाता है, इन सब को करने के लिए हमें इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो यह मैंने कहा बहुत तरह के आयाम है इसके अंदर। और चौथी चीज जो है वो इसमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इस जो हमने कम्युनिकेशन किया सब लोगों तक अगर वो पहुंचता है कि मास्क का क्या महत्व है, तो इसके द्वारा कितनी जानें बच गई होंगी इसका आंकलन करना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि एक सिंपल चीज है कि हम डिस्टेंसिंग करें, अपने को आइसोलेट करें अगर हम इन्फेक्टेड हों, जिससे और लोगों को ना कर पाए, डिसइन्फेक्ट करें, क्राउडिंग नहीं करें, इसी तरह से अब वेंटिलेशन का महत्व बढ़ रहा है। तो ये सब जो जानकारी है वो अगर हर आदमी पे हर आदमी तक बहुत अच्छे स्वरूप में, समझने वाले स्वरूप में पहुंचे, तो इसके द्वारा
पेंडेमिक पे बहुत काबू किया जा सकता है और किया गया है। तो जब तक ऐसा है, जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल ना हो, और वैक्सीनेशन अवेलेबल होने के बाद भी ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं उनको रखना बेहतर है, इसके द्वारा ही वायरस का प्रभाव रोका जा सकता है। तो मैंने जो चार चीजें बताई, उस हर चीज के अंदर हमारे साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स ने बहुत योगदान दिया है, चाहे वो नए इक्विपमेंट बनाने के लिए और उनके उनको कमर्शलाइज करने के लिए। तो ये जो चीज हमने सीखी है अभी कि कैसे बहुत तीव्र गति के साथ ये सब कार्य किए जा सकते हैं, ये ऐसा पहला मौका था जब ये सीखने का समय मिला, इसका मौका आया। तो अब जो आगे पैंडेमिक होंगी उसको उससे निमटने के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए वो अब हमारे पास आ गई हैं। तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों जो इस बारे में जानते हों, साइंटिस्ट हों, चाहे उनको जो फैसिलिटीज की जरूरत है वो हो, चाहे हमारे स्टार्टअप हो, इंडस्ट्री हो और गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, ये सब अब हमारे पास हैं। उसके कारण वो हमें सशक्त बनाएंगी जिससे कि अगली पैंडेमिक या जो भी डिजास्टर हैं उनसे निमटने के अंदर बहुत तेजी से सहायता मिल पाए। जैसा एक मैं एक और उदाहरण दूंगा, इन पैंडेमिक के अंदर न केवल भारत में लेकिन ग्लोबली लोग ये मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं पैंडेमिक के, उनके द्वारा अगर वो अच्छे मॉडल हैं तो उनके द्वारा ये जाना जा सकता है कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, इससे कितने लोग इन्फेक्ट होंगे, वो कितने उनकी सीवियरिटी कितनी हो सकती है वगैरह। तो ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं हमारी प्लानिंग के लिए, हमारे गवर्नेंस के लिए, हमारे क्या क्या उसके लिए फैसिलिटीज चाहिए होंगी, कितने ऑक्सीजन बेड चाहिए होंगे वगैरह वगैरह, इन सबको समझने के लिए, उनको प्रिपेयर करने के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। तो इसमें भी काफी हमने करीब 30 साइंटिस्ट के ग्रुप्स हैं कंट्री में, उनको मदद दी जिससे कि वो मॉडलिंग का कार्य शुरू कर सकें। इस पेंडेमिक के पहले इसमें हमारा कोई इसमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई व्यक्ति इस विषय में कार्य नहीं कर रहा था। अब ये चीजें ऐसी हैं कि उसमें ह्यूमन रिसोर्स पैदा करने होते हैं, वो ओवरनाइट नहीं होते, तो पहले ट्रेन किया जाता है लोगों को, कई लोग उसमें PhD भी करेंगे वगैरह, तो जिससे कि एक हमारा फ्रेमवर्क बन जाए। अब वो फ्रेमवर्क अब तैयार हो रहा है, तो इसे अगली पैंडेमिक अगर होंगी तो पूरी तरह तैयार होगा कि 10 दिन के अंदर अंदर ही वो हरकत में आ जाए और वो जो नया कोई वायरस है या नई जो विपदा है उसके बारे में प्रिडिक्शंस किए जा सकें, अच्छे प्रिडिक्शंस किए जा सकें। तो ये सब हमारी प्रिपरेशन का पार्ट है पेंडेमिक के लिए। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारे लेसन्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि जब इस तरह की विपदा होती है तो इसमें लॉजिस्टिक्स और सप्लाई लाइंस का बहुत महत्व हो जाता है, तो उनको कैसे एक्टिवेट किया जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे के अंदर बहुत कार्य किया गया है और हमने उसके परिणाम भी देखे हैं। तो ये सब जो हमने लेसन्स सीखे हैं और जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने हैं, इन सभी पे अच्छा कार्य शुरू हो गया है और उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। जितनी हमारी हानि और क्षति हो सकती थी वो पूरी तरह उसको बहुत कम कर दिया गया और उससे अच्छा किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब हमें पूरी तरह तैयार रहने की जरूरत है और वो तैयारी ओवरनाइट नहीं होती, तो क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि किस तरह की तैयारी की जरूरत है, उन सभी तैयारियों में पूरा बल दिया गया है, उनको फंडिंग दी गई है, सपोर्ट दिया गया है, तो जिससे कि हम तैयार रहें पूरी तरह से जब भी नेक्स्ट विपदा कोई इस तरह की आती है हमारे समक्ष। जी, तो प्रोफेसर आशुतोष, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपने विदेशों में पढ़ाई की भारत समय की अगर करें इंटरनेशनल लेवल पर, भारत में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर उसका दूसरे देशों से कंपैरिजन करें, तो हमारा जो ग्रॉस एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वो GDP का 1% से भी कम है।
ये कहा जाता है कि बेहद कम है, और पिछले 10 सालों की भी बात करें तो भी ये बार बार आता रहा कि हाँ, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये 2% नहीं होना चाहिए जीडीपी का? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहाँ खड़े हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में? खर्च की बात आती है। हाँ, ये बहुत समय से ये केवल आज का प्रश्न नहीं है। ये मैंने जब से रिपोर्ट्स देखी हैं, पॉलिसीज देखी हैं, पहली साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसीज 50s में आई थी और समय समय पर आती रही हैं। अभी हम एक पॉलिसी जो नई बना रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2021, जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। इसके पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। इन दोनों के अंदर ये काफी जोर दिया गया है कि निसंदेह रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन में हमारा जो प्रतिशत है जीडीपी का वो बढ़ाना चाहिए। ना, ऐसा है कि वो बढ़ाना चाहिए, इसमें कभी कोई शंका नहीं रही। जैसा मैंने कहा शुरू से, 50 साल पहले से, 70 साल पहले से, इसमें कोई शंका नहीं है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हमारे बजट बढ़ाने के साथ साथ उनका होना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि जो हमारा इसमें निवेश है, हमारा इन्वेस्टमेंट है R&D में, वो पूरी तरह से फलदायक साबित हो। तो मैं बहुत जल्दी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। एक तो ऐसा है कि जो काफी दूसरे देश हैं उसके अंदर R&D सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि फाइनली गवर्नमेंट का जो R&D है वो यूनिवर्सिटी, IITs, R&D लैब्स, इन तक ज्यादातर सीमित होता है। तो वो ज्यादातर उस चीज पे फोकस करता है कि हमें नई नॉलेज जो बनानी है उस पे फोकस करता है। लेकिन जो नई नॉलेज हम बना रहे हैं, जब तक उसका कोई डायरेक्शन और रेलेवेंस हमारे कंट्री और सोसाइटी के लिए नहीं हो, तो उसके उसके जो फल हैं वो नहीं मिल पाते हमें। तो दूसरे देशों के अंदर जो R&D है उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है और उसी के द्वारा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इतनी सक्सेसफुल होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, कंपनी गूगल हम सभी जानते हैं। तो सिर्फ एक कंपनी गूगल का जो R&D इन्वेस्टमेंट होता है वो US में, जो जैसे DST है उसको जैसे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, US की NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन का जो बजट है उससे भी ज्यादा सिर्फ एक कंपनी गूगल का R&D बजट होता है। तो इसका कारण यह है कि जो कंपनियां हैं वहां पर वो नॉलेज बेस्ड हैं, तो वो खाली इसमें विश्वास नहीं करती कि हम इंपोर्ट कर लेंगे किसी सामान को और इसलिए हमें किसी नॉलेज, साइंस नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो ये एक सस्टेनेबल कल्चर है, ये सस्टेन कल्चर है जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर वो जब पैदा होगी, जब उनको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है, जब उनको कि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इसके लिए R&D का बहुत मूलभूत महत्व है। तो हमारी जो अभी पॉलिसी है 2021, उसमें हम ये बहुत जोर दे रहे हैं कि देखिए देश का विकास और फ्यूचर फ्यूचर बिल्कुल साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो मिलके कार्य करेंगे तो बेशक वो देश के लिए, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो R&D का इन्वेस्टमेंट है वो सेंटर द्वारा होता है, उसमें स्टेट्स का योगदान बहुत कम है। तो हालांकि बाकी सब जगह जो आपने उदाहरण दिए वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, अगर आप US में जाएं वो खुद हर स्टेट ये चाहती है कि वो उनकी यूनिवर्सिटीज वो इसमें अग्रणी हो, बाकी और सब स्टेट में प्रतिस्पर्धा चलती है। यहाँ पे वो प्रतिस्पर्धा भी नहीं है तो स्टेट ये नहीं सोचती कि उनका जो डेवलपमेंट है वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ है। हो सकता है कि उनकी कुछ खास समस्याएं हो, जैसे कि कहीं किसी का फोकस किसी स्टेट में पानी पे हो सकता है,
किसी स्टेट में किसी दूसरी चीज पे कंजर्व, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकता है। इस तरह की बहुत लोकल समस्याएं हैं, लेकिन वो उसको आगे बढ़ाएं और उसमें वो साइंस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें, तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होगा वो बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा NEP और अभी जो नई पॉलिसी बना रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का को प्रस्तुत किया गया है। उस प्रस्ताव में अब वो आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी होगा। अभी हम थोड़ा इसमें पेंडेमिक में घिर गए, नहीं तो अभी तक हो जाता। तो उसमें ये प्रावधान करेंगे कि 50,000 करोड़ रुपए का R&D इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में हो, तो उसके द्वारा नया बल मिलेगा इस R&D को। उसके साथ साथ ही हम ये भी जाने कि देखिए दो तरह से हम R&D का इन्वेस्टमेंट गिन सकते हैं। एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, वो GDP के साथ बढ़ रहा था, तो हालांकि जो उसका परसेंटेज है वो जैसे आपने बताया 0.7% 0.8% के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, वो अभी नहीं बहुत समय से, लेकिन जब हमारी GDP बढ़ती है तो उसी अनुपात में, क्योंकि परसेंटेज फिक्स है, तो उसी अनुपात में जैसे GDP बढ़ती है उसी अनुपात में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं कि पर साइंटिस्ट कितना है। एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, एक हमारे जितने साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं तो पर साइंटिस्ट इन्वेस्टमेंट कितना है। फिर हम ये भी ध्यान में रखें कि एक परचेज पावर पेरिटी होती है, जिसके द्वारा ये जाना जाता है कि हमारा 1 रुपया यहाँ पर कितने के बराबर है। अगर मान लो मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे हमारे सारे PhD स्टूडेंट हैं पूरे कंट्री में, वो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, उनकी फेलोशिप वगैरह। जैसे कई राष्ट्रों में जैसे US वगैरह है, इनमें वो सभी रिसर्च इन्वेस्टमेंट का भाग होते हैं, तो वो एजुकेशन में नहीं गिने जाते। तो उसमें जैसे एक टॉप यूनिवर्सिटी को लें US की, एक PhD स्टूडेंट का साल का खर्चा करीब $100,000 आता है। तो उसको आप अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो बहुत बड़ा अमाउंट लगेगा, उसमें से आधा यूनिवर्सिटी में जाता है, आधा इधर जाता है उधर, कुल मिलाकर के एक PhD स्टूडेंट की लागत $100,000 आती है। लेकिन ऐसा है कि हम, हमारा एक PhD स्टूडेंट यहाँ कार्य कर रहा है, उसकी लागत कुछ है, वहाँ पे कार्य कर रहा है उसकी लागत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे PhD स्टूडेंट में पेरिटी है। इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकता है दोनों में, तो आपको लगेगा कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसके अंदर मान लो 5 लाख रुपया साल, और वहाँ पे किया 70 लाख रुपया साल, तो आपको लगेगा उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसका जो परिणाम है उस इन्वेस्टमेंट का वो ये है कि एक PhD स्टूडेंट को सपोर्ट करना, और वो यहाँ भी किया जा रहा है। तो कुछ कहने का मतलब ये है कि जब हम तुलना करते हैं तो उस तुलना को बहुत तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट पर साइंटिस्ट। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर साइंटिस्ट लें और उसको परचेज पावर पेरिटी को भी देखें, जो कि फैक्टर करीब 3 होता है, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट हैं वो बहुत कंपेरेबल हैं विद सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि और इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमें सभी पहलुओं पर विचार करना होता है जब हम इसको बढ़ाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट को, कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे ज़्यादा कारगर साबित हो। तो वेन हम ये कहें कि पर साइंटिस्ट इन्वेस्टमेंट इतना है, अगर हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो हमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट भी बढ़ाने होंगे उसके साथ साथ। इसका कुल मिलाकर के जैसा मैंने बताया, इसका एक जो इम्प्लीकेशन है वो ये है कि अगर हम नंबर ऑफ साइंटिस्ट, यू नो, वेल परफॉर्मिंग साइंटिस्ट और भी बढ़ाएं, तो उसके साथ साथ वो जो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट पर साइंटिस्ट वो अच्छा होगा। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि हमें जो स्टेक होल्डर बेस है साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का, उसको बढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। उसके अंदर इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर बहुत अहम भूमिका निभा सकता है और निभानी चाहिए, सिर्फ उनके खुद के भले के लिए, क्योंकि अब जो जिस विश्व में हम रहते हैं वो बहुत ही प्रतिस्पर्धा का विश्व है।
तो अगर हम उसमें इनोवेट नहीं कर पाएंगे तो वो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो पीछे छूटता जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है बेशक इकोनॉमी के लिए। और इसमें जो स्टेट्स की भागीदारी होनी चाहिए, उनको भी इसका महत्व समझ में आना चाहिए, तो वो होगा। इसके अलावा हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसमें सरकार ने बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी तक जो हमारा स्पेस में टेक्नोलॉजी में जो निवेश होता था वो केवल गवर्नमेंट द्वारा ही होता था, जैसे कि वो इसरो के द्वारा होता था, तो इसरो ही सब चीज़ डिज़ाइन करता था, इसरो ही बनाता था, इसरो ही भेजता था, इसरो ही यूज़ करता था। लेकिन अब जो हमारी नई पॉलिसीज और विजन है उसके तहत, और ये डिफेंस में भी है, जैसे कि डिफेंस है, स्पेस है, एटॉमिक एनर्जी है, जिनको हम स्ट्रेटेजिक एरियाज कहते हैं, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होने से साइंस और टेक्नोलॉजी में उनका जो निवेश है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो अब जैसा मैं आपको उदाहरण दे रहा था स्पेस का, तो अब जो इसरो है वो ये कर रहा है कि जो हमें बेसिक नॉलेज की जो जरूरत होती है, जो बेसिक R&D की जरूरत होती है, वो उस पर फोकस करेंगे। अब उस R&D से जो चीज़ निकल कर आती है वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ भी शेयर करें, और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी उपयोग संभव हो सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर द्वारा, तो वो खुद सैटेलाइट विकसित करेंगे और वो एक कमर्शियल मार्केट उसके द्वारा पैदा करेंगे, जिससे कि मोर सर्विसेज बिकम अवेलेबल एंड मोर इन्वेस्टमेंट बिकम्स अवेलेबल। तो ये एक बहुत ही रेडिकल रिफॉर्म है, तो इन रिफॉर्म्स के द्वारा हम प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़े स्तर पर निश्चित कर रहे हैं। एक और दूसरा आपको एग्जांपल दूं, हमारी जो मैपिंग होती है, जैसे आप गूगल मैप देखते हैं, मैपिंग, सर्वेइंग, ये सब गवर्नमेंट द्वारा की जाती थी, तो ये सर्वे ऑफ इंडिया एक संस्था है जो DST का भाग है, वो पिछले 250 सालों से सर्वेइंग मैपिंग का कार्य कर रही थी, पर उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत कम थी, क्योंकि आजकल सब चीज़ डिजिटल है, आजकल ड्रोन उड़ाकर लाइडार के द्वारा ये सब सर्वे किए जाते हैं और सैटेलाइट द्वारा किए जाते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट का जो रोल है, अब जो हमारी स्थितियां हैं, हमें जितने डेटा की ज़रूरत है, वो सिर्फ गवर्नमेंट की एक संस्था इतनी तेज गति के द्वारा नहीं कर सकती। तो हमने क्या किया कि अभी लिबरलाइजेशन किया हमारी सर्वेइंग एंड मैपिंग गाइडलाइंस का, वो उसका मतलब ये है कि किसी को भी सर्वे या मैपिंग करनी हो या उसके द्वारा कोई एप्लीकेशंस करने हो, बहुत सारे हैं, ये बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसके उसके लिए पहले प्रायर अप्रूवल्स की जरूरत थी गवर्नमेंट से, वो अप्रूवल्स मिलने में ही 6-8 महीने लग जाते थे। आजकल जो डिजिटल डेटा होता है उसकी जरूरत समटाइम्स इवन रियल टाइम होती है। अब आप समझें कि हमें कहीं रोड बनानी है, हमें कहीं रेल रोड बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, अगर वो 6 महीने देर हो जाती है तो उससे इकोनॉमी का कितना नुकसान होता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अब ये करके लिबरलाइजेशन ऑफ जियोस्पेशल डेटा सेक्टर एंड गाइडलाइंस, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जितना डेटा है उसका उपयोग नहीं हो पाता क्योंकि वो आपस में बांटते नहीं, उसे एक गवर्नमेंट एजेंसी दूसरे को नहीं देती और एक गवर्नमेंट एजेंसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं देती, तो इसके द्वारा हम जितना विकास कर सकते हैं वो विकास नहीं हो पाता, हर आदमी वही कार्य करता है, धीरे धीरे करता है। इन सबको अब हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया जियोस्पेशल डेटा का, उसमें बहुत बदलाव आ रहा है और आएगा, जिसके द्वारा जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर का वो बढ़ जाएगा, बट न केवल वो बढ़ेगा लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, वो बहुत बड़ा होगा। जैसे कि अभी जियोस्पेशल सेक्टर के बारे में मैंने बताया, तो अभी सिर्फ खाली जो मैपिंग और सर्वेइंग का बिजनेस है वो 20,000 करोड़ रुपए का है
साल में, लेकिन अगले 7-8 साल के अंदर वो 1 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। वो तो सीधा जो मतलब बिजनेस है सिर्फ मैपिंग का, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, जैसा मैंने बताया अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डोंट गेट डिलेड बाय 6 मंथ्स, तो उसका जो इम्पैक्ट है, चाहे आप बांध बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसका इम्पैक्ट इससे बहुत ज़्यादा गुना होगा। तो फाइनल एनालिसिस का इसका ये है मतलब कि जब प्राइवेट सेक्टर सशक्त होता है तो वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा कि और देशों के अंदर भी देखा गया है। तो इससे इसके द्वारा हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को एक नया बल मिलेगा और उसकी जरूरत भी है। और भी बहुत तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि हाँ बताइए बताइए पूर्णिमा, जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और जिस तरह आपने बताया कि दूसरे देशों में स्टेट्स जो आपस में कंपीट करते हैं, चाहे साइंस की बात हो, रिसर्च की, डेवलपमेंट की बात हो, तो यहाँ भी एक तरह से जिस स्टेट के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, चाहे पानी की बात की आपने, फॉरेस्ट की बात की, वो उस एरिया में अपनी रिसर्च को और गहन करे और बढ़ाए, और आपस में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जिस तरह आप चर्चा कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स पर पावर, अगर तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अहम भूमिका है, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ऐसे और कई 5 मान लीजिए इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी साझेदारी हो और जो आगे ले जाने में भारत में रिसर्च को, डेवलपमेंट को बड़ी भूमिका निभाए? बेशक उसमें भी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप हरदम एग्जाम्पल देते हैं यूएस का, अगर आप देखें वहाँ की यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़, चाहे स्टैनफोर्ड हो, जो भी आपने नाम सुने, प्रिंसटन हो, ये हो, जिसकी क्वालिटी मानी जाती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमारे भी ये कल्चर जो पैदा करना है, तो गवर्नमेंट, सर्टेनली गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी रिसर्च। वो हो रहा है, जैसे कि नए आईसर बनाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, 7 हो गए हैं कंट्री के अंदर, वो उसी की तर्ज पे बनाए गए थे, IISc बेंगलोर की तर्ज पर। नए IITs बढ़कर 25 हो गए हैं, एक जमाने में 5 हुआ करते थे। तो ये सब हो रहा है, पर उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इसको समझे कि रिसर्च जो है यूनिवर्सिटीज सिर्फ मास एजुकेशन के लिए नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होती है जब वहाँ पर रिसर्च भी होती है, तो उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों तरह से कार्य होना चाहिए और हो रहा है कि नए इंस्टीट्यूट हों जो कि वर्ल्ड क्लास हों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च यूनिवर्सिटीज का जिक्र है, उनको बनाने के ऊपर भी कार्य चल पड़ेगा बहुत जल्दी ही। देखिए अभी कुछ जो समय आप सभी जानते हैं COVID-19 का समय, इसमें कुछ चीज़ें धीमी हो गई हैं। हमारा पुराना 1 साल और कुछ महीने इसके द्वारा बहुत धीमे हो गए हैं, मतलब बाकी सब कार्य हो रहा है लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो होनी है वो थोड़ी धीमी हो गई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा भी एक प्रस्ताव है, जैसे कि बहुत सारे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कंट्री में, उनको भी रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरह विकसित किया जा सकता है। तो माँ एक तो टीचिंग यूनिवर्सिटी है जो मास एजुकेशन में बहुत इफेक्टिव है, और क्योंकि बहुत सारे हमें शिक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े नंबर चाहिए तो उनकी भी ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ जिसमें एजुकेशन के साथ साथ रिसर्च का महत्व हो, दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड हों, उनकी भी बहुत आवश्यकता है। हिस्टोरिकली हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप में क्या हुआ था कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ थी, और यूनिवर्सिटीज़ से ये बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत रिसर्च करेंगे, तो उसके साथ साथ एक R&D इंस्टीट्यूशंस बनाने का
सिलसिला शुरू हो गया था, तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया कि रिसर्च यहाँ होगी, एजुकेशन वहाँ होगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हों, और उसके साथ न केवल वो दोनों एक साथ हों, न केवल एजुकेशन और रिसर्च बट ऑल्सो इनोवेशन। तो जो जो हमारी नॉलेज है उसका जो भाग है जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री के भागीदारी के साथ, वो भी साथ साथ चलना जरूरी है। हमारे जो नए टेक्नोलॉजी मिशन हैं जो कि फ्यूचर चैलेंजेस के लिए हैं, जैसे कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0, इन सभी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है इन मिशंस का कि उसमें पूरी चीज सम्मिलित हो, बेसिक R&D, बेसिक नॉलेज क्रिएशन, बेसिक रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च टू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टू इनक्यूबेशन टू मार्केट एक्सेस। तो ये सब जब मिलजुल के कार्य करेंगे और इसमें इंडस्ट्री की भागीदारी के साथ, तो निसंदेह जो हमारा साइलोज में काम करते हैं और उसके द्वारा बहुत अच्छे फल नहीं आ पाते, तो वो जो चेन है, हिस्टोरिकल चेन है, वो टूटेगी। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी आशुतोष शर्मा कि ये पिछली सरकारों में आरोप लगते रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की उसने भूमिका निभाई, R&D को पनपने उतना नहीं दिया। तो आप अकेडमिया से आते हैं, आप साइंटिस्ट हैं देश के जाने माने, आप इस जो स्टेटमेंट है, जिस तरह के बातें हुई, एक पॉपुलर परसेप्शन रही पिछली सरकारों में कि R&D को उतना पनपने नहीं दिया, इतना आगे नहीं आने दिया, आप इससे कितना सहमत हैं? तो आप जो ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही हैं वो जैसे कि इंस्टीट्यूशन की हैं, यूनिवर्सिटी की लीडरशिप है। निसंदेह हमारी पूरी सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, न केवल शिक्षा में, न केवल रिसर्च में। ये बात सही है कि हमने जो ब्रिटिशर्स से ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम लिए थे, ब्रिटिश ने वो सब छोड़ दिए हैं, लेकिन हम उनको और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो वो उसको लाल फीता शाही कहते हैं या जो भी कहते हैं, तो ये उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि कहाँ हमें लिबरलाइजेशन की ज़रूरत है, कहाँ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। रोज़ हम देखते हैं कि हमारे कौन से फॉर्म्स हैं जो कि सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। एंड उस वो समझ करके वो जो रिफॉर्म्स हैं वो किए जा रहे हैं कुछ समय से, और वो रिफॉर्म्स बहुत क्रिटिकल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कि आपको कोई चीज़ परचेज करनी है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, आपको कुछ ये करना है, ब्यूरोक्रेसी हमारी उसको स्लो कर देती है। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है या कोई भी सिस्टम होता है, इनफैक्ट आवर ओन थिंकिंग, इंडिविजुअल थिंकिंग, वो होती है, उसको कहते हैं लीनियर। मतलब कि भाई आज मैं इतना हूँ, कल मैं उसको थोड़ा बढ़ाऊँगा, तो थोड़ा धीरे धीरे चीज़ यों बढ़ेगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है और ख़ासकर आजकल की टेक्नोलॉजी है और ये जो डिज़ास्टर हैं जैसे कि अभी वायरस आया, ये लीनियर नहीं होते, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल। सो विच मीन्स कि वो यहाँ से चला धीरे, ऐसे लगा यूँ चल रहा है और फिर ऐसे जाएगा, राइट? तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो थिंकिंग है वो एक्सपोनेंशियल प्रोसेसेस को समझ नहीं सकती, मतलब हमारे विचार नहीं उठता ऐसा। तो हम वो कहते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं दिमाग में, एक को मैं कहता हूँ धंधा, एक को कहता हूँ पंगा। तो धंधा होता है ये बिजनेस एज यूजुअल, तो वो लीनियर होता है कि भाई धंधा अच्छा चल रहा है, अगले साल 2% बढ़ जाएगा, अगले साल 5% बढ़ जाएगा, मैं खुश हूँ। लेकिन जो पंगा होता है डिसरप्टिव चेंजेस, तो उसके लिए हमारे दिमाग को, चाहे उसको ब्यूरोक्रेसी कहें, न केवल ब्यूरोक्रेसी, पूरी सोसाइटी, दैट यू नो हाउ टू निगोशिएट चेंज एंड हाउ टू अडेप्ट, हाउ टू एडजस्ट टू चेंज साइकोलॉजिकली, और उसको फिजिकली कैसे उसको एड्रेस किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो अभी हम समझ रहे हैं इस बात को। हम कभी ये नहीं सोचते कि ऐसा भी हो सकता है
क्या ऐसा हो सकता है। तो ये उसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स अभी बहुत जरूरी हैं, जिससे कि हमारे जो प्रोसेस हैं, हमारे थिंकिंग प्रोसेस हैं, हमारे प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, वो भी एक्सपोनेंशियल चेंजेस के साथ तालमेल बिठा सकें। तो जैसा मैंने कहा, इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं और उसमें आगे भी बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। और ये केवल ये रिसर्च के लिए नहीं है, ये हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज़ जो हम करते हैं उन सभी के लिए इनकी ज़रूरत है। फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यू नो, दीज रिफॉर्म्स आर नीडेड फॉर द ईज ऑफ लिविंग। सो उससे हो सकता है कि हम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएं, जो भी कार्य करते हैं उसमें ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएं, उससे जो आउटकम हैं वो जल्दी हों, वो अच्छे हों, इन सभी के लिए ज़रूरत है। जी, शायद जी, मैंने आपका उत्तर दिया। जहाँ तक तो मिनिस्ट्री का सवाल है, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रीज का सवाल है, वो इसके लिए पूरी प्रतिबद्ध है कि हमारे जो डिलेज हैं सिस्टम में, जितना तेजी से हमें चलना है और जो हमें सशक्त करना है हमारे स्टेक होल्डर्स को, उसके बारे में हम बहुत जागरूक हैं और वो हम करते रहते हैं समय समय पर। अभी जैसे कि हमने कॉल किया अभी न्यू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि हम उनको 15 दिन के अंदर अंदर उनको, मतलब वो प्रोजेक्ट लेकर अगले 15 दिन के अंदर उनको डिसीजन भी दे देंगे, एक महीने से कम के अंदर अंदर उनके पास पैसा भी पहुंच जाएगा। तो ये जो स्पीड है, ऑफकोर्स डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी बहुत संभव हुई है, उसके साथ साथ हमारा जो माइंडसेट है, बोथ माइंडसेट एंड टेक्नोलॉजी हैव टू वर्क टुगेदर, एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल एस्पेक्ट बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब तक हम उनके बारे में जानते हैं, उनके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो सही दिशा है उसकी। सर, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात होती है, सेल्फ रिलायंस की बात होती है। अगर वैक्सीन की बात करें तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि वैक्सीन के प्रोडक्शन में और नई वैक्सीन खोजने के क्षेत्र में अगर हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है तो उस दिशा में क्या प्रयास करने होंगे? देखिए, क्षमता तो अभी बढ़ाने के लिए प्रयास ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो वैक्सीन को विकसित करना जो कि रिलेटेड टू R&D है, उसके बाद आती है उसकी टेस्टिंग करना, जो कि हम जानते हैं सभी कि वो 3 तरह की क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस होते हैं, वो करना, उसकी सेफ्टी एफिकेसी को एस्टेब्लिश करना, उसको करने के बाद फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये करीब करीब 3 चीज़ें हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसा है कि पहले कभी हमने वैक्सीन बहुत बड़े पैमाने पर डेवलप नहीं किया। एक दो उदाहरण है पहले वैक्सीन डेवलप करने के, उनके लिए बहुत समय लगा था, दशक लग गया था, लेकिन अभी जो भारत में वैक्सीन डेवलप किया गया उसको बहुत तेज़ी से, और ग्लोबली ऑल्सो जो और लोगों ने डेवलप किए वैक्सीन बाहर, क्योंकि एक बहुत ज़रूरत थी बहुत तेज़ी से, तो ये हुआ, तो हम उसको करने में सफल रहे। भारत गिने चुने कंट्रीज में है जिन्होंने खुद के वैक्सीन डेवलप किए। अच्छा, डेवलप करने के अलावा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, आकी जाती थी, लेकिन इस पर जिस तरह के नंबर्स की हमें सडनली ज़रूरत पड़ी, उसको ओवरनाइट वो कैपेसिटी क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस पर कार्य चल रहा है। और जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इस साल के अंत तक, एंड इनफैक्ट स्टार्टिंग जुलाई, तो ये काफ़ी रैंपिंग अप होगी हमारे प्रोडक्शन की, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, तो इस साल के अंत तक कम से कम 80% लोग वैक्सीन पाएं देश में, हो सकता है ज़्यादा भी। तो इतना होने के बाद अगर हमारे 70% लोगों में भी अगर एंटीबॉडी हो, प्रतिरोधक क्षमता हो इस वायरस के लिए, तो फिर इसका ट्रांसमिशन एकदम बहुत कम हो जाएगा। हमें सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी, जैसा आपने कहा, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, आइसोलेटिंग, वेंटिलेशन,
ये सब करते हुए अगर 70% लोगों में भी अगर प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई पहले इन्फेक्शन के कारण या वैक्सीन के कारण, तो फिर जो ये पेंडेमिक नहीं रहेगी वो एंडेमिक में परिवर्तित हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि जैसे हमें हर साल कभी फ्लू आता है, कुछ होता है, लेकिन नंबर्स उसके कम होते हैं तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वैक्सीन निसंदेह इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, जो अभी तैयारियां की जा रही हैं, जो इसकी प्लानिंग की जा रही है, जो इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, तो जिससे कि नई फैसिलिटीज, उनकी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, वो बढ़ेगी। नई जैसे आपने देखा नया स्पूतनिक, वो भी तैयार किया जा रहा है। तो जैसे कि कुछ जो पहले से वैक्सीन है जो और देशों में अप्रूव किए जा चुके हैं, उनकी भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, एज वेल एज जो अभी हैं हमारे उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सभी फाइनली इसको अलविदा कह सकें। इसके साथ साथ उस पर कार्य चल रहा है, इसके म्यूटेशंस पे, इसकी सीक्वेंसिंग पे वायरस की, जिससे निगाह रखी जा सके कि कहीं कोई ऐसा तो डेवलप नहीं हो रहा जो कि इन वैक्सीन्स को इवेड कर सके, मतलब कि वैक्सीन उसमें कारगर साबित ना हो। इस सब के लिए तैयारियां अभी हैं, तो ये नहीं कि जो आ गया कोई म्यूटेशन तब उसके बारे में सोचेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इस सब पे पैरेलल में कार्य चल रहा है कि बाकायदा हजारों सैंपलों की सैंपल्स की रोज सीक्वेंसिंग होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग, उससे पता चलता है कि ये म्यूटेशन किस तरह का है, फिर तो उसकी स्टडी की जाती है कि इस म्यूटेशन का क्या प्रभाव हो सकता है, मतलब हमारी एंटीबॉडीज इस पर इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी, वो सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये सब कार्य चल रहा है। तो सर्टेनली वैक्सीन का बहुत महत्व है और उसके बारे में पूरी तरह से फोकस है उसके ऊपर। जी, जिस तरह आपने कहा कि हजारों सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है कि कोई नया म्यूटेंट आए तो किस तरह उससे डील किया जाए, लाए जाए। जी, वैक्सीन में भी बदलाव लाने के लिए अगर नया कोई म्यूटेंट आता अभी तक ऐसी तैयारी हो, बस कि आपने जिस तरह कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। जी, अभी तक इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है कि अभी कोई ऐसी म्यूटेशन अभी तक हुई है जिसके द्वारा मतलब वैक्सीन जो अवेलेबल है वो इनइफेक्टिव हो जाए, अभी तक ऐसा नहीं है, पर संभावना है कि कभी ऐसा हो सकता है। और ये संभावना, देखिए म्यूटेशन की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है जब हम इसका ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। अगर वो वायरस मेरे तक ही सीमित रहा, अगर मैंने आइसोलेट कर लिया, मैंने मास्क पहन लिया, मैंने वेंटिलेशन कर लिया, तो वो मतलब जब तक कि वो यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट नहीं हुआ दूसरे लोगों में, तब तक वो म्यूटेशन नहीं होगी। तो चाहे वो म्यूटेट हो मेरी बॉडी में, लेकिन वो मेरी बॉडी में ही रहेगा, तो वो फैलेगा नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि म्यूटेशन और ट्रांसमिशन ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। ये बहुत जरूरी है। म्यूटेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन पे हमारा पूरा कंट्रोल है। सो वी अलोन आर रिस्पॉन्सिबल ओके फॉर एनीथिंग दैट हैपेंस टू अस, इट इज नॉट वायरस। तो वायरस की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी पूरी 100% जिम्मेदारी है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि म्यूटेशन के कारण ऐसा हो जाता है, ये म्यूटेशन तो होता है, होता रहेगा। हम इसको जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे वायरस को फैलने की, उतना ही ज़्यादा तरह के म्यूटेशन उसमें आते रहेंगे। ये म्यूटेशन समझना बहुत आसान चीज़ है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा होगा कि आजकल वो जो उसकी थी एंटीबॉडी थेरेपी सीरम के द्वारा, उसको अब डिस्करेज किया जा रहा है कि वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जो प्लाज्मा थेरेपी थी, जो लोग रिकवर हो गए उनके प्लाज्मा को देकर एंटीबॉडी का इन्फ्यूजन किया जाए। तो उसे क्या है कि उससे म्यूटेशन पैदा होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमारा जो बिहेवियर है वो हम इस तरह रखें कि वो म्यूटेशन हो तब भी वो ट्रांसमिट नहीं हो पाए दूसरी पॉपुलेशन के अंदर, यही इसका सबसे बड़ा अस्त्र है। दो चीज़ें हैं, वैक्सीन और ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है
इन दोनों के द्वारा साथ साथ कार्य करते हुए इसके द्वारा निपटा जा सकता है, और निसंदेह मुझे कोई शक नहीं है कि निपटा जा सकेगा, क्योंकि थोड़ा पहले बिहेवियर लैक्स हो गया था आफ्टर फर्स्ट वेव, तो जनवरी फरवरी के अंदर हमने समझा था कि ये खत्म हो गया है सब, लेकिन ऐसा है, हमें समझना चाहिए कि वायरस एक बार आ जाता है वो कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ ट्रांसमिट होता है, तो उसमें आप उसको वैक्सीन के द्वारा अपने ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको कम कर सकते हैं, लेकिन वायरस हरदम रहेगा, तो अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, अगर आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका प्रभाव चलता रहेगा आगे भी। जी कई डॉक्टर से भी ये बात हो रही थी, जो आप कह रहे हैं वही उनका कहना था कि अगर ट्रांसमिशन नहीं होगा, संक्रमण नहीं होगा, तो म्यूटेशन भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों पर, आम लोगों पर, हम सब पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम उस चेन को ब्रेक करने में अपना योगदान दें। ऐसे में प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे बार बार ये कहा जाता है कि एरोसोल थ्योरी की बात होती है कि एरोसोल्स जो है वो या एयरबॉर्न है ये जो वायरस है, तो अगर इंडोर्स में ये कब तक रहता है, आउटडोर में कब कितने, कोई बाहर वॉक कर रहा है, टहल रहा है, तो उतना उसमें कितना रिस्क है, या इंडोर लोग बात अगर किसी स्पेस में बैठे हैं और तो उसमें वो कितना रिस्क हो जाता है, कितना रिस्की हो जाता है अगर वेंटिलेशन नहीं है, क्या सावधानियां आम लोग रख सकते हैं या बरतनी चाहिए, जैसे डबल मास्किंग की बात होती है, और कितने फुट की दूरी मेंटेन करनी चाहिए आउटडोर भी, जिससे हम इसके जो ट्रांसमिशन है, संक्रमण है, उसे रोकने में आम लोग अपना योगदान दे पाए। तो एरोसोल, देखिए पहले लोग ड्रॉपलेट थ्योरी बताते थे, एरोसोल अभी बता रहे हैं, इसमें क्या फर्क है? तो ड्रॉपलेट तो वो होती है जैसे कि हमने खांसा, छींका और तेजी से बात की, कुछ लोग बहुत तेजी से बात करते हैं बड़े स्वर के अंदर, तो वो आप उसको देख सकते हैं कि हमारे मुंह से निकलकर वो ड्रॉपलेट आती हैं, कहीं गिर भी जाती हैं तो वो ड्रॉपलेट ज़्यादातर 3 फीट के अंदर अंदर ऐसे यूँ जाके ग्रेविटी के द्वारा नीचे गिर जाती हैं, तो वो हवा में सस्पेंडेड नहीं रहती, वो बहुत जल्दी से ही वो नीचे गिर जाती हैं उनके भार के कारण। लेकिन एरोसोल का मतलब यह है, अगर आपने, हम सभी ने कभी देखा होगा कि यहाँ पे सूरज की किरण आ रही है तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे धूल के कण वहाँ पे हवा में दिखाई देते हैं, वो हरदम वहाँ पर हैं, लेकिन जब वो सूरज की रोशनी में वो दिखाई देने लगते हैं, तो ये जो छोटे कण होते हैं वो ग्रेविटी के द्वारा जमीन पे नहीं बैठते, वो हरदम घूमते रहते हैं हवा के अंदर। तो इसी तरह से जब चीज बहुत छोटी हो जाती है, जैसे कि हमने ड्रॉपलेट निकली मुंह से, लेकिन वो थोड़ी इवापरेट भी हो रही है तो वो छोटी हो जाती है, तो उसके अंदर क्योंकि वो उसका घट जाता है क्योंकि वो थोड़ा उसमें इवापरेट हो जाती है, तो और भी छोटे छोटे कण निकलते हैं, तो वो सब हवा के अंदर रहते हैं। अब चाहे मैं अकेला बैठा हूँ इस कमरे में, लेकिन हो सकता है 1 घंटा पहले कोई इन्फेक्टेड आदमी इस कमरे में घूम के गया तो बिना मास्क के, तो उसके जो कण हैं वो इसी हवा में रहेंगे कुछ घंटों तक, और वो इस पर भी डिपेंड, आपने पूछा कितने घंटों तक रहेंगे, वो इस पर डिपेंड करता है टोटली कि वेंटिलेशन कितना है। अगर मान लो कि ये कमरा टोटली बंद है, कोई नई हवा नहीं आ रही, न बाहर जा रही है, तो जो कण वो आदमी छोड़ गया था हवा के अंदर वो 10 घंटे भी रह सकते हैं, राइट? तो इसमें ये सिद्ध हुआ कि वेंटिलेशन का भी उतना ही महत्व है जितना मास्किंग का है। तो अगर आप कमरे में वेंटिलेशन रखें, स्पेशली अब क्या है कि गर्मी के अंदर हमारे एसी होते हैं, जो घर में एसी लगाते हैं, एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर में बाहर की हवा कम आती है और ज़्यादातर हवा सर्कुलेट होती है, तो उसके अंदर भी हम सारे खिड़की दरवाजे बंद ही कर देते हैं एयर कंडीशनर के साथ। तो हालांकि अगर हम अपने घर में कर रहे हैं तो इतना बड़ा वो नहीं है, क्यों हमारे घर में किसी को नहीं हुआ इन्फेक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो स्पेसेस हैं जहाँ पे हर तरह के आदमी आते हैं अनरिलेटेड, लेटर से ऑफिस स्पेसेस हैं, ये सब जो स्पेसेस हैं, जो पब्लिक स्पेसेस हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्कुलेशन रहे। तो उसमें जैसे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग भी है तो उसमें आप बाहर की हवा ज़्यादा ला सकते हैं,
उसमें उसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसी तरह आप जब कार चलाते हैं फॉर एग्जांपल, उसमें बाहर की हवा ज्यादा ला सकते हैं, ऐसे ही हमारे कमरों के अंदर। तो इन सब का अभी काफी महत्व है कि हम इस पर ध्यान दें। जैसे आपने कितने फीट, अगर हम बाहर घूम रहे हैं तो बाहर तो वेंटिलेशन है ही, तो अगर हम अकेले हैं घूम रहे हैं, अपने साथ कोई है अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसका चांस है आप तक आने का। लेकिन अगर आपने मास्क पहन रखा है या अकेले घूम रहे हैं बाहर, तो इतना इसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप किसी के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि बाहर भी हो चाहे, लेकिन अच्छी डबल इफेक्टिव मास्किंग की जरूरत होगी। तो इसमें एक एक फार्मूला नहीं है जिसके द्वारा आप कहें कि इतना फीट चाहिए या उतना फीट चाहिए, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेंटिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन आपके आसपास कितने लोग हैं, पहले कितने आके गए, उस पे निर्भर करता है। जी सर, हर वर्ग की और हर एक की अपनी राय होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि हम टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं लेकिन प्योर साइंस पर जोर नहीं दे रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ऐसा है कि राय तो सबकी हो सकती है, लेकिन ये राय जो साइंटिफिक राय होती है वो डेटा पे आधारित होती है, तो डेटा एविडेंस उस पे आधारित होती है। तो अगर आप डेटा और एविडेंस देखें, तो जैसे कि बजट है साइंस मिनिस्ट्रीज के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 6 साल से तो मैं भी इसी ऑफिस में हूँ, मैंने हर साल देखा है। अभी जब मैं यहाँ आया था इस ऑफिस में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उस वक्त जितना बजट था उसका अभी डबल से ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा और भी ज़्यादा होना चाहिए, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन अब आपने जो बेसिक साइंस वगैरह का बताया, तो जो हम उस वक्त जो बजट था बेसिक साइंस का और अभी जो बजट है बेसिक साइंस का, वो डबल से ज़्यादा हो गया है। आपको उदाहरण दूं, एक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है जो ज़्यादातर बेसिक साइंस को सपोर्ट करता है कंट्री के अंदर, उस वक्त जो उसका बजट था और आज जो बजट है वो 3 गुना हो गया है। तो इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि बेसिक साइंस का महत्व पहले से घट गया है, ये बात अलग है। देखिए, जब टोटल बजट बढ़ता है तो जो हमें एडिशनल रिसोर्सेज हैं उसको उसके द्वारा नई स्कीम चलाई जाती है। जैसे कि कुछ स्कीमें, क्या आप कहेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करनी है? क्या हमें क्लाइमेट चेंज की टेक्नोलॉजी विकसित नहीं करनी है? क्या हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज विकसित नहीं करनी है? तो ऐसा है कि ये साइंस और टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ, ये जीरो सम गेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने टेक्नोलॉजी चालू कर दी तो साइंस कम हो गई। साइंस भी बढ़नी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी बढ़नी चाहिए। तो पहले टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था साइंस मिनिस्ट्रीज के अंदर, जैसे DST है उसके अंदर, लेकिन ये जरूरी है कि हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में कनेक्ट हो। जैसा मैंने कहा, न केवल वो कनेक्ट हो बट इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट हो। तो मैं अगेन, ये आपका, मैं ये जो उत्तर दे रहा हूँ वो बहुत साफ है कि बजट जो बेसिक साइंस, सो कॉल्ड बेसिक साइंसेज का होता है, वो कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हो गया है पहले से। बट क्योंकि टोटल बजट काफ़ी ज़्यादा हो गया है पहले से, तो इसके कारण हम नए मिशन जो हैं, जो टेक्नोलॉजी पे आधारित हैं, उनको भी चला सके हैं। और इसमें किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं है हमारे नेशन के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, कई लोगों को इस बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं होती कि एक नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम होता है, एक नॉलेज कंजम्पशन सिस्टम होता है। तो नॉलेज प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं। एक को बेसिक साइंस कहते हैं, एक को अप्लाइड साइंस कहते हैं, एक को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहते हैं, और फिर उसमें भी इनोवेशन जैसे इंक्यूबेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी उसका भाग बनते जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि क्या बेसिक साइंस का महत्व तो कम हो गया है? नहीं, एक्चुअली आजकल पूरे संसार में, न केवल इंडिया में, क्या जिसको हम बेसिक साइंस कहते हैं वो भी कुछ है, बहुत प्रोफाउंड साइंस भी है उसके अंदर, वेरी क्वालिटी साइंस, लेकिन वो एक बहुत छोटा भाग है आजकल के साइंस का। आजकल की साइंस
बहुत तरह से कई मायनों में अप्लाइड साइंस है, क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, जिसको बेसिक साइंस कहते हैं, लाइक रामन इफेक्ट, वो बहुत जमाने से हमें पता है। अब उनको यूज करते हुए कैसे उस नॉलेज को आगे बढ़ाया जाए, उसको अप्लाइड साइंस कहते हैं। तो बहुत बड़ा भाग जो साइंस का आजकल है उसको हम अप्लाइड साइंस का नाम दे सकते हैं। और अप्लाइड साइंस कुछ भी नाम दें आप, चाहे बेसिक साइंस कहें, अप्लाइड साइंस कहें, कुछ कहें, इन सभी को बढ़ावा देने की जरूरत है, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। इनफैक्ट ये DST में जो मैथमेटिकल साइंसेज होती है उनको सपोर्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल है, उनको बहुत पैसे की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हमने कहा कि ये साइंस, इसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो इनफैक्ट एक नई स्कीम निकाली मैथमेटिकल साइंसेज के लिए, और उसके अंदर 300 मैथमेटिकल ग्रुप्स को सपोर्ट किया जा रहा है। तो पहले जीरो था, अब जीरो से 300 प्रोफेसर्स और जो उनके जो रिसर्च ग्रुप हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। तो हालांकि उनको लैब की जरूरत नहीं होती, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, इनकी और जरूरतें हैं, जैसे कि उनको कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जाना है, उनको ट्रेवल की जरूरत होती है, उनको मेकिंग कनेक्ट्स विद देयर पीयर कम्युनिटी उसकी जरूरत होती है, उनको कुछ कंप्यूटर्स वगैरह की जरूरत होती है, ये सब जो चीज़ें हैं उसके लिए। तो ये बहुत बेसिक साइंस है, मैथमेटिकल साइंसेज से ज़्यादा बेसिक साइंस क्या होगी। तो इसलिए थ्योरेटिकल साइंसेज है। हमारे इस वक्त अभी 7 मेगा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट, बहुत एक्सपेंसिव, जैसे कि 30 मीटर टेलीस्कोप, जैसे कि ये जो सर्न है, राइट, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। उसमें भारत अपनी पार्टिसिपेट कर रहा है इन सब प्रोजेक्ट में, और वो सब बेसिक साइंस है, चाहे वो सर्न हो, चाहे वो सर्न का जस्ट 100 करोड़ पर ईयर भी पे, राइट। इसी तरह से जो इसका ये 30 मीटर टेलीस्कोप है, इसी तरह से और भी जो प्रोजेक्ट हैं, वो पार्टिकल फिजिक्स के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के प्रोजेक्ट हों, उन सब का महत्व बड़ा है। पिछले 6 साल के अंदर उनको बहुत सपोर्ट किया गया है, जिससे कि हमारे साइंटिस्ट को एक्सेस हो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो मैंने जैसा कहा कि यू नो, ओपिनियन रखना एक चीज है और उसको आंकड़ों के द्वारा समझना दूसरी चीज है। वो जो आंकड़े देखना चाहता हूँ वो मुझे लिख दे, मैं आंकड़े भेज दूंगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है, तो ऐसे में हम एक तरफ देखते हैं अरेबियन सी में साइक्लोन है, वे ऑफ बंगाल में साइक्लोन उठ रहे हैं, अब हमने ताउते देखा, फिर एक और साइक्लोन। अब ऐसे में इस तरह के नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए, डील करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? जैसे कि एक हमारा जो साइंटिफिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है और वो निभा भी रहे हैं। देखिए, एक्यूरेसी जो होती है प्रिडिक्ट करने की साइक्लोन, वो बहुत अहम है, क्योंकि अगर हमें सफिशिएंट वार्निंग मिल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है, कितनी तीव्रता है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो साइंस टेक्नोलॉजी का इसमें ये महत्व है। तो पहले जो हमारे प्रिडिक्शन हुआ करते थे इवन कुछ साल पहले, वो इतने एक्यूरेट नहीं थे, बट अभी सुपर कंप्यूटर के द्वारा और जो उसके यंत्र होते हैं देखने के लिए, अर्ली वार्निंग के जो सिस्टम है उनके द्वारा अब ये प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट हो गए हैं, और उसके द्वारा जान माल की जितनी हानि पहले हुआ करती थी अब उसकी तुलना में बहुत बहुत कम हो गई है। तो ये तो एक तरह के जो कि डिजास्टर हैं, जो कि साइक्लोन हैं, एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स हैं, सुनामी है वगैरह, और भी तरह के डिजास्टर होते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड होती है स्पेशली इन हिमालयाज एंड सो ऑन। तो उसके लिए भी नया साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा काम किया जा रहा है। उसके लिए एक नई साइंस और नई टेक्नोलॉजीज बनाई जा रही हैं, जैसे कि हमारे सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, तो उनसे वो मिलियंस ऑफ इमेजेस होती हैं एक के बाद एक, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनकी एनालिसिस करके
हम अर्ली ऑन पहले समय रहते ये जान सकते हैं कि कोई जो एक बड़ा बोल्डर है क्या वो थोड़ा मूव हो गया है, क्या कोई ग्लेशियर है जो टूटने वाला है, क्या कोई ग्लेशियर लेक है, झील बन गई है जो जो कि ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनालिसिस ऑफ इमेज जो होती हैं, उनके द्वारा इन सब का पता लगाना संभव हो जाएगा। उस पर कार्य किया जा रहा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है ही, उसका ही भाग एक क्लाइमेट चेंज है। क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, सर्कुलर इकोनॉमी बना सकें, रीप्रोसेसिंग, रीयूजिंग, रीसाइक्लिंग, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको कंजर्व किया जा सके, डिजास्टर हो उसके पहले पहले हम संभल जाएं, और वो इस साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसको एड्रेस कर सकें। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं फ्यूचर के, वो इस वायरस से भी बड़े हैं। तो ये वायरस हो सकता है चला जाए कुछ समय बाद, लेकिन जो जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, हालांकि वो थोड़े लॉन्ग टर्म है इसलिए हमें महसूस नहीं होते। तो अभी आज और कल में हमें कोई फर्क नहीं पता चलेगा, कभी कभी 10 साल निकल जाते हैं तब भी कुछ फर्क नहीं पता चलता। लेकिन ये चेंजेस जो हैं क्यूमुलेटिव चेंजेस, दे विल हिट अस एट सम पॉइंट विद वेरी बिग इंटेंसिटी। तो उसके लिए तैयारी अभी जरूरी है पूरी तरह से। क्लाइमेट चेंज है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं अभी, बहुत उस पर फोकस है जी। अब आप समझिए कि अगर मान लो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं अगर वो इनइफेक्टिव हो जाएं, तो मॉडर्न मेडिसिन में क्या बचेगा? तो अगर आपने सर्जरी करवाई तो रिकवरी नहीं होगी क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा, राइट? तो ये जो हमारे जो गेन्स हैं साइंस के पिछली शती के, उनको शताब्दी के हमारे जो गेन्स हैं साइंस के, उनके द्वारा जो हमारे को हेल्थ का एडवांटेज मिला है, वो सब हमें बचा के रखने होंगे। वी हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। तो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इसी तरह चैलेंज है इंटेलिजेंट मशीन्स का। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इंटेलिजेंट मशीन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब पे आधारित हैं, वो हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालेंगी बहुत बड़ा। तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि मशीन से अगर जूझना है, जैसे मशीन हमने ही बनाई है लेकिन वो टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हमारी लर्निंग क्या होगी, हमारी एजुकेशन क्या होगी, हमारी वर्कफोर्स क्या होगी, हमारी स्किल्स क्या होंगी, कैसे हमें ज़्यादा इफेक्टिव रहना होगा, और हमारी गवर्नेंस सिस्टम्स क्या होंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स क्या होंगे, जीवन का हर पहलू, हम कैसे कार्य करेंगे, कैसे डिसीजन लिया करेंगे, तो उन सब पे ये प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए, उस टेक्नोलॉजी के लिए, उसके प्रभावों के लिए हमें अभी से कार्य शुरू कर देना चाहिए, और किया भी जा चुका है। मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था, जो मिशन शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो 4,000 करोड़ रुपए का है 5 साल का। तो उसमें ये सब हम नए सेंटर्स, हब्स, कैपेसिटी बिल्डिंग पूरे देश के अंदर स्थापित कर रहे हैं। तो जैसे आपने पहले चर्चा की बेसिक साइंस वर्सेस अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी की, देखिए जैसे ये साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस सभी चीजों को साथ साथ कार्य करना होगा। तो इसमें नई नॉलेज की भी जरूरत है, बहुत प्रोफाउंड फंडामेंटल नॉलेज, बट एट द सेम टाइम उसको कैसे यूज करना है, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है। तो जब ये साथ साथ मिलके कार्य करेंगे तभी उसमें साइंस पूरी तरह सक्षम हो पाएगी, और हमारा कार्य अभी उसी आशुतोष शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि साइंटिफिक टेंडर की बात होती है, सोशल लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, सरकारी लेवल पर, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उस लेवल पर, आप हमारे सिस्टम में साइंटिफिक टेंपर को कहाँ आते हैं, कहाँ देखते हैं, और इसे आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में क्या किया जाना चाहिए?
तो पहले तो हमें समझ लें कि साइंटिफिक टेंपर क्या है। तो दो चीजें इसमें, दो वर्ड हैं, एक तो साइंटिफिक और एक है टेंपर। तो टेंपर तो बहुत यू नो कल्चरल एस्पेक्ट है। यू नो एक तो सोसाइटी का टेंपर होता है, एक आदमी का टेंपर होता है, और साइंटिफिक तो उसका मतलब समझ लें। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें साइंस में बहुत सारी डिग्री कर ली है तो हमें साइंटिफिक टेंपर ज़्यादा है, लेकिन साइंटिफिक टेंपर और साइंस में डिग्रीज का इतना संबंध नहीं है जितना हम समझते हैं। तो साइंटिफिक टेंपर का बहुत सरल मतलब है कि जो हमारी सोच है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, वो डेटा पे आधारित हो, वो एविडेंस पे आधारित हो, वो एनालिसिस पे आधारित हो, वो लॉजिक पे आधारित हो, वो रेशनल थिंकिंग पे आधारित हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका साइंटिफिक टेंपर बिजनेस में भी जरूरी है, न केवल साइंस के अंदर। ये हमारी जो भी डिसीजन हम करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन हो, चाहे एक व्यक्ति का डिसीजन हो, चाहे कोई भी डिसीजन हो, तो वो साइंटिफिक टेंपर उसमें मददगार होता है कि मैंने ये, मेरे पास इसकी एविडेंस है, इसकी डेटा है, ये मेरा अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ये स्टडी की है, उसकी एनालिसिस की है, उस सब के द्वारा ये मतलब निकला कि हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए। जैसे कि अभी आपने एरोसोल की चर्चा की, तो साइंटिफिक टेंपर का मतलब ये होगा कि हमने ये समझा कि भाई वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है और उसको रोकने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये साइंटिफिक है। अब उस अब कोई आदमी उसको न माने और वो कहे कि नहीं नहीं ये सब गलत है, वो कुछ नहीं है, मैं अपना ही अपना अपने हिसाब से कार्य करूंगा, तो वो साइंटिफिक टेंपर नहीं है। तो ये है मतलब साइंटिफिक टेंपर का। अच्छा, क्या हमारी सोसाइटी में साइंटिफिक टेंपर कम है? एक्चुअली ये केवल हमारी सोसाइटी से संबंधित नहीं है, पूरे देशों में, पूरे विश्व के अंदर कुछ लोग साइंटिफिक टेंपर पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें चाहिए? मेरा कहना है मतलब ये नहीं है कि साइंटिफिक टेंपर हर चीज में हो लागू। अभी मैं किस तरह की मूवी पसंद करता हूँ, मैं किस तरह का लिटरेचर पढ़ता हूँ, क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स में मेरा टेस्ट है, राइट, किससे मैं शादी की या नहीं की, तो ये सब इतना साइंटिफिक टेंपर पे आधारित नहीं है। वो चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ इस तरह के जो डिसीजन हैं, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया, वो उसमें साइंटिफिक टेंपर का महत्व होता है। तो हमें ये समझना है कि अच्छा, इसमें न केवल साइंटिफिक टेंपर, ये जो चीज़ें हैं वो हमारे मॉरल्स, हमारी एथिक्स, उन पे भी बहुत संबंध रखती हैं। कैसे? क्योंकि लोग भाई सोचते हैं साइंटिफिक टेंपर एक चीज़ है, मॉरल एथिक्स अनदर चीज़ है। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। क्योंकि साइंटिफिक टेंपर तो हमारी एनालिसिस है, हमारी लॉजिक है, हमारी डेटा है, एविडेंस है, लेकिन उससे हमें समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं इसे करूं। तो साइंटिफिक टेंपर सिर्फ एनालिसिस तक आधारित नहीं है, उसको हमें प्रत्यक्ष में, उसको एक्शन में ट्रांसलेट करना भी साइंटिफिक टेंपर है, राइट? सो वी ऑफ्टन से पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। तो अगर साइंटिफिक टेंपर सिर्फ माउथ ही माउथ में है कि मैं ये सब बता रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, तो वो साइंटिफिक टेंपर नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कई बार हमारे सेल्फिश इंटरेस्ट जो होते हैं वो साइंटिफिक टेंपर में आड़े आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हाँ, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं उसको आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। अरे भाई, हम सब ने देखा है कि अगर मान लो ऐसे इंटरव्यू है, कमेटी है, तो हमें पता है कि ये आदमी बहुत सबसे अच्छा है, उसको लेना चाहिए, लेकिन हम सकता है कि हम किसी और को ले लें, तो वो साइंटिफिक टेंपर नहीं है। टेंपर हो सकता है कि हमने सही डिसीजन लिया लेकिन उसको लागू नहीं कर पाए। तो देखिए, दो चीज़ें हैं साइंटिफिक टेंपर में, ये चीज़ बहुत लोग समझते नहीं है। तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल बिहेवियर है वो हरदम साइंटिफिक टेंपर के द्वारा नहीं होता, तो जहाँ होना चाहिए वहाँ भी। तो इसके अंदर इसको कैसे किया जाए, तो हमें पहले समझा जाए कि देखिए साइंटिफिक टेंपर कहाँ इम्पॉर्टेंट होता है, कहाँ पे हमें लागू करना चाहिए
और उसके द्वारा हमें सोसाइटी को कैसे सशक्त कर सकते हैं, ज़्यादा बैलेंस्ड सोसाइटी बना सकते हैं, ज़्यादा फेयर सोसाइटी बना सकते हैं, ज़्यादा एम्पावर्ड सोसाइटी बना सकते हैं, राइट? तो सिर्फ ये ये मतलब कि मिराकल्स नहीं होते, ये साइंटिफिक टेम्पर का एक बहुत छोटा भाग है। साइंटिफिक टेम्पर जैसे मैंने अभी डिफाइन किया है, वो हमारी पूरी किस तरह हम सोचते हैं, किस तरह हम कार्य करते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर उसका अभिन्न अंग है। इसलिए ये केवल इसको साइंस के साथ जोड़ना या सिर्फ इसको मिराकल्स के साथ जोड़ना, ये तो एक उसका बहुत छोटा भाग है। तो अगर हम इंडीड साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करेंगे, साइंटिफिकली कार्य करेंगे, इसके लिए जरूरी नहीं है कि मेरे को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे साइंटिफिक टेम्पर की, राइट? हमारे रोजमर्रा के कार्यों में जो हम करते हैं उसमें साइंटिफिक टेम्पर का महत्व है। उसके द्वारा हम सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं हर स्तर पर। इसके लिए बहुत कार्य करते हैं, तो जैसे कि साइंस कम्युनिकेशन में साइंटिफिक टेम्पर उसका एक भाग है कि कैसे हम साइंटिफिक कम्युनिकेशन के द्वारा, साइंस पॉपुलराइजेशन के द्वारा साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाते हैं, उसका एक आस्पेक्ट है। उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके द्वारा पॉपुलर साइंस को बढ़ावा मिले। मैं बताना चाहूँगा, एक OTT चैनल है, उसका नाम है इंडिया साइंस। पहली चैनल है भारत की जो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी पे आधारित है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसका, सभी लोग जो सुन रहे हैं, उसका ऐप डाउनलोड करके उसको देखें। उसमें रोज लाइव प्रोग्राम होते हैं, उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी है सभी चीज़ों की, साइंस और टेक्नोलॉजी की। उसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे हम प्रगति कर रहे हैं और चीज़ें कैसे होती हैं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो ये चैनल अब पॉपुलर होती जा रही है, अभी तक कुछ लाख लोगों तक पहुँच रही थी, पर अब वो कुछ करोड़ लोगों तक पहुँचने वाली है, क्योंकि जो उसमें उसको हमने जैसे जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म है लाइक जियो, तो उस पर वो आ गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके द्वारा साइंटिफिक टेम्पर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है, और पॉपुलर जो साइंस होता है, साइंस पॉपुलराइजेशन होता है, उसको भी साइंटिस्ट जो होते हैं वो समझने लगते हैं इसका महत्व। तो साइंटिस्ट जो होते हैं वो उसका महत्व समझते हैं, तो वह ये पॉपुलर साइंस स्टोरीज लिखते हैं, तो उसके द्वारा डिफरेंट मीडिया के द्वारा वो हम सब तक पहुंचती हैं। तो इन सब का योगदान है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके आगे, साइंटिफिक टेम्पर जैसे मैंने समझाया एक बहुत डीप कल्चरल इशू है। तो अगर हम इवन एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए नेबर, एज ए फ्रेंड, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम रेशनल जो चीज़ें होती हैं उन पे कार्य करें और हम लोगों को समझाएं कि भाई डोंट बी इरेशनल, बिकॉज इट डजंट हेल्प सोसाइटी एट लार्ज टू बी इरेशनल। तो साइंटिफिक टेम्पर इज रिलेटेड टू रेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट, बियॉन्ड देयर सेल्फ इंटरेस्ट। सो आई मस्ट एड दिस, बिकॉज ये जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत लोग समझते नहीं है इसको। वो सोचते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर मीन्स साइंस के द्वारा कार्य करना, नहीं, इट इज इवन मोर अबाउट टेम्पर, इट इज अबाउट एनालिसिस, डेटा, एविडेंस, रेशनल थिंकिंग, लॉजिक, और इन सब को साथ लेते हुए हम किस तरह से कार्य करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इनके बारे में सोचना पूरी पूरी स्टोरी नहीं है। अच्छा पूर्णिमा जी, तो मैं यहाँ पे कई एस्पेक्ट्स पे आपने जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आशुतोष शर्मा हमसे बात करने के लिए और तमाम मुद्दों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने के लिए। जिस तरह आपने बताया कि टेम्पर की आपने बात की कि इट्स अबाउट ह्यूमन रेशनल थिंकिंग एंड बियॉन्ड देयर सेल्फ इंटरेस्ट और वेस्टर्न इंटरेस्ट, और आपने तमाम मुद्दों पर बात की कि भारत में पेंडेमिक में किस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने
अहम भूमिका निभाई, किस हो रहे हैं, आपने साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी पर चर्चा की कि वो किस तरह से भारत में परिवर्तन ला सकती है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, आपने बात की कि किस तरह से इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे उनको आगे ले जाने में विज्ञान और तकनीक भूमिका है। आपने जिस तरह से बताया कि चाहे नेचुरल डिजास्टर की बात हो उसमें भी विज्ञान की कितनी अहम भूमिका हो जाती है, और किस तरह से जो अलग अलग स्टेट है उनको किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को अपने रिसोर्सेस के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से आगे ले जाने में कोशिश करनी चाहिए, अलग अलग किस तरह के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं देश भर में जो सरकारी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उन्हें किस तरह से कोऑर्डिनेशन करके अपना योगदान देना चाहिए इसमें, और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के सॉल्यूशंस की बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने की बात हो, विस्तार से करने के लिए जैसे आम आदमी भी विज्ञान जैसे जो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको समझ पाए। आपने जिस तरह से बात की, चर्चा की, हमारे व्यूअर्स को समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार, प्लीज स्टे सेफ ऑल ऑफ यू, टेक प्रिकॉशंस, अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर COVID-19 एंड वील ऑल कम आउट ऑफ इट इन फ्लाइंग कलर्स। आप सबको मेरी शुभकामनाएं इसके लिए, धन्यवाद। हाँ।